यहाँ परम तक हो गया था ना। अब ये प्रॉपर्टीज देखो, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज में क्या होता है, इसके पास कोई स्टोरेज लोकेशन नहीं होता है, ठीक है। हाँ ठीक है। ये क्या होते हैं, एक्सटेंशंस होते हैं किसके, फील्ड्स के। क्या फील्ड्स होते हैं, फील्ड्स के के ही एक्सटेंशंस होते हैं। एक्सटेंशन हाँ मतलब उसकी डिटेल, ठीक है। उसमें डायरेक्ट वैल्यू स्टोर नहीं करते, है ना। प्रॉपर्टीज में अपना कोई स्टोरेज का नहीं होता इसका। ये जो फील्ड्स या डेटा टाइप्स होंगे ना, वेरिएबल्स होंगे ना हाँ क्लास के अंदर, उन्हीं की वैल्यू सेट करने के लिए यूज करी जाती है और गेट करने के लिए, ठीक है। अब ये दोनों हो सकते हैं, या रीड ओनली या राइट ओनली, ठीक है। या रीड राइट दोनों हो सकता है। सॉरी, एक प्रॉपर्टी जो होगी या तो रीड ओनली होगा या तो राइट ओनली, एक ही सेम दोनों काम नहीं करते हैं। एक हाँ अलग मिनट अलग, हाँ अलग अलग प्रॉपर्टी बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया कोई ए वेरिएबल है, तो उसकी रीड प्रॉपर्टी अलग होगी और राइट प्रॉपर्टी अलग होगी, ठीक है। देखो जैसे हमने क्या करा, यहाँ पे एक ले लिया स्ट्रिंग नेम, ठीक है। नेम की वैल्यू सेट करनी है, तो अपन ने क्या लिखा यहाँ पे, स्ट्रिंग नेम, और यहाँ पे उसके अंदर ले लिया सेट। एक सेट प्रॉपर्टी हो गई नेम इक्वल टू वैल्यू, ये नेम की वैल्यू सेट कर रहे हैं इससे। ये वैल्यू जो है वो प्री डिफाइंड एक कीवर्ड है। हाँ, और वैल्यू उठाने के लिए गेट प्रॉपर्टी, वैल्यू उठाने के अगर लिए, है इसमें पहले से वो ना। इसमें पहले सेट करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है। अब उसके बाद रिटर्न कर देंगे यहाँ पे, अपन क्या कर देंगे, रिटर्न उठाने के लिए, ठीक है। अब इसकी वैल्यू सेट करनी है, तो इस क्लास का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। वैल्यू सेट करने के लिए अपन ने, हाँ ऑब्जेक्ट के साथ में कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट, फिर उसके बाद ये यहाँ इसका प्रॉपर्टी का नाम, ठीक है। फिर जैसे इक्वल टू वैल्यू लिखेंगे, तो ये वाला वैल्यू यहाँ चला जाएगा और उससे ये वैल्यू हो जाएगा सेट, ठीक है। और जब उठाना हो तो इस तरह से गेट कर लेंगे, ठीक। देखो ये अब अभी यहाँ पे क्या करना है, एक जैसे वेरिएबल ले लिया ए, ठीक है। अब इसकी वैल्यू सेट करनी, अलग से क्लास ले लेते हैं, ठीक है। क्लास का नाम कुछ भी दे दिया, ए विषय, है ना। और यहाँ पे एक वेरिएबल है इंटीजर ए, अब इसकी वैल्यू मुझे सेट और गेट करनी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, इंटीजर, है ना। अब ये जो होगा पब्लिक, अब वो टाइप का होगा, ठीक है। अब इसका नाम कुछ भी देते हैं, एक्स, हाँ। अब देखो यहाँ पे गेट और सेट, हाँ दो अलग अलग टाइप बना दिए, ठीक है। गेट वाला में क्या लिखेंगे, रिटर्न ऐसे, हाँ। यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न ए, ठीक है। और तो स्टेट में क्या करेंगे, हाँ ये तो, हाँ और यहाँ पे हाँ ठीक सेट लिखना है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए इक्वल्स टू वैल्यू, है ना।
ये एनकैप्सुलेशन का ही पार्ट है, एनकैप्सुलेट कर रहे हैं कि इस वेरिएबल को बाहर से वैल्यू हमें क्या करना है, भेजना है। ये जो प्राइवेट होता है तभी हाँ होता हाँ इस है वेरिएबल को बाहर से वैल्यू भेजना है, तब हम सीधा यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना करके, जैसे ए बी सी पी इक्वल्स टू न्यू ए बी सी, ठीक है लिया। अब सीधे यहाँ पे ऐसे पी डॉट ए नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? हाँ प्राइवेट इसलिए कि ये प्राइवेट है, ठीक है। अभी देखना यहाँ रन करोगे तो एरर आएगा, ठीक है ना। देख क्या हुआ, कर्ली ब्रेसेस वो रह गया क्लास वाला। अब क्या बोल रहा है, ए इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू ना प्रोटेक्शन लेवल, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब ये प्राइवेट है तो बाहर कैसे एक्सेसिबल, तो हमने क्या करा इसको एक अलग से पब्लिक प्रॉपर्टी ले लिया और उसको एनकैप्सुलेट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे प्रॉपर्टी बनती है गेट और सेट, तो गेट में रिटर्न ए की वैल्यू करवा देंगे और सेट में ए इक्वल टू वैल्यू कर, अब इसकी वैल्यू सेट एक्स के थ्रू करवाएंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे ऐसे पी डॉट एक्स, से क्या हो जाएगा वैल्यू ठीक सेट हो जाएगा, और रिटर्न के लिए यहाँ पे कुछ भी ले लिया एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा पी डॉट एक्स, अब यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। है ठीक है अब रन करो, डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है ना। ठीक यहाँ लिखना पड़ेगा ठीक है, रीड भी लिख सकते हैं ना। है ठीक रीड की भी लिख सकते हैं, रीड की बोल रहे तो ओके नोट करो। चलो एरे को थ्योरी तो पता ही है, अब यहाँ बताता हूँ कैसे काम करता है एरे, थ्योरी तो पता ही है ना। देखो एरे यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, 1D एरे सिंपल है, यहाँ पे एरे का साइन इधर होता है लेफ्ट साइड, ठीक ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू रखना चाहो तो ऐसे कर रख लो, और यदि डायनेमिक एरे बनाना है तो ऐसे डायरेक्ट वैल्यू ऐसे रख सकते हैं, है ना। उसके बाद फॉर लूप से प्रिंट करवा सकते हैं अपन, ठीक है। लेंथ आई प्लस प्लस, है ना। अब यहाँ पे सारा कोड अपने आप करता है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऑटो स्मार्ट है, लिख दिया सारा कोड, ठीक है। अब इसको रन करवा लो, आ गया, ये हो गया नॉर्मल एरर, ठीक। ठीक नोट से लिख लेना, मैं यहीं पे बता देता हूँ फटाफट, है ना, बाद में नोट्स और रिकॉर्डिंग से देख लेना। अब देखो इसी को हमें क्या करना है, इसी को फॉरिच लूप से करना हो, ठीक है। फॉरिच लूप कैसे करेंगे, हाँ इस तरह से, ठीक है। कोड लिखा नहीं, खुद से लिख दिया, ठीक है। हाँ है ना, बहुत ज्यादा स्मार्ट है। ये होता है फॉरिच लूप। तो क्या लिखते हैं, आई इन ए, मतलब ए का एक एक एलिमेंट आई में आता जाएगा, कोई जावास्क्रिप्ट जैसा, ठीक है। और
वहां पर होता था ना जावास्क्रिप्ट में फॉर इन, तो वही एक आई का एलिमेंट जिसमें आएगा आई में, और आई से प्रिंट करता जाएगा, ठीक है। एरर अब एरे के सारे ऑपरेशन करो, जो चीज सी में पढ़ रखा है वो सब कुछ भी करना है, तो फिर सी की क्लास में आ जाओ। सी में पढ़ रखा है ना वो सब सीखने में, यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब है? वो तो सी में आता है, ऑपरेशन वही सब करना करके देख लेना, नहीं होगा सी में पढ़ रखा है ना, नहीं तो उसमें सी वाली क्लास में आ जाओ सुबह। सुबह क्या उसका टाइमिंग कहाँ फिक्स है, कभी देर है ना ना कितने फिक्स ही है 11:30। हाँ 11:30, ठीक है। ये हो गया फोर। अब देखो 2D एरे, यहाँ पे 2D एरे ऐसे बनता है, इंटीजर, ठीक है। हाँ यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, तो पढ़ा पाएगा तुम्हारा, ठीक है। एरे ले लिया है ना, अब यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा उसमें डायनेमिक एरे बनाना देख लिया था क्या 1D वाले में? हाँ डायनेमिक एरे ऐसे बनेगा, ठीक है। और रन टाइम इनपुट इसमें करना हो तो फॉर है ना, लेंथ इनपुट करवा लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हाँ एंटर नंबर हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पे लिख लेंगे किसमें जाना है, ए के आई में है ना, ए का, ठीक है, आई, में यहाँ पे वैल्यू पास कर देंगे क्या, इन डॉट पार्स कंसोल डॉट रिप्लाई, हो गया ऐसे इनपुट हो गया, उसे प्रिंट करवा देना आगे, है ना। लूप चला देना यहाँ पे, हाँ ओके ठीक है। नंबर डालो तो हाँ क्या, ठीक है ना ना। हाँ 10 लिया था ना, जितने लेंथ में पाँच ही कर दो, ठीक। अब ये देखो इसको भी डायनेमिक बना सकते हो तुम, इंटीजर एन, ठीक है ना। देखो ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे,
एन इक्वल्स टू है ना, इनडोर पार्स कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एन पास कर देंगे, अब क्या पास कर देंगे एन, ये फिर डायनेमिक हो जाएगा। जैसे हमने लिया यहाँ पे दो ही एरे लेना है ना, तब यह दो ही नंबर पूछेगा, समझ में आया, ये बन गया डायनेमिक एरे, ठीक है। अब ऐसा हो जाएगा टू डी एरे, इंटीजर कॉमा, ठीक है, ए इक्वल्स टू, इसको भी डायनेमिक बना सकते हैं, न्यू इंट, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कितने का बनाना है, 2 बाई 2 का बनाना है ना, ऐसे बना सकते हैं। तो इसमें दो लूप चलाना पड़ेगा ना, लेन तो नहीं होगा यहाँ पे, एक और लूप ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे जेड, जे प्लस है ना, ये क्या बोल रहा है, एरर है कि क्या है वो, देखते हैं। जीरो वन कंसोल डॉट राइट, ठीक है, कंसोल अंतर हो गया। यहाँ पे क्या जाएगा, ए का आई का जे में आ जाएगा इन डॉट पास, ठीक। अब इसको प्रिंट करवाना है, ठीक है, यहाँ तक तो सेम रहेगा, बस ये उठा के यहाँ डालूंगा है ना, ठीक है, स्पेस दे दो, ठीक है। और लूप एंड होने के बाद यहाँ पे न्यू लाइन दे देंगे है ना, रन करो, नंबर डालो, आ गया, नीचे आ रहा है ये क्योंकि यहाँ पे राइट लाइन हो गया होगा है ना, ठीक है। नंबर डालो, ठीक, इस तरह से ये हो गया 2D एरे, समझ में आ गई।